फाइनली पहुंच चुके हैं अपने यहाँ पे मैप की तरफ, एंड हमारे यहाँ पे इजेक्शन सब लोग देख सकते हैं। यहाँ पे पहले वर्सेस स्टार्ट हो चुका हमारा SNG, तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि सिंगुलैरिटी वर्सेस अटैक ऑल अराउंड दोनों की दोनों टीम्स किस तरीके से अभी फाइट लेने वाली है। जी हाँ, देखना जरूर बनता है कि दोनों के दोनों टीमें किस तरीके से फाइट लेती है यहाँ पे। बट सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा यार कि सिंगुलैरिटी जो कल इतना ज्यादा अच्छे से खेली थी वो आज परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही है। सामने ही देख लीजिए, ट्रिपल ए की बात करें जो लास्ट मैच में, इफ आई एम नॉट मिस्टेक, लास्ट मैच के फर्स्ट गेम में सबसे पहले एलिमिनेट हुई थी, ज्यादा अच्छे से खेल नहीं पाई थी। टू गॉड हैज अ लॉट टू प्रूव हियर। ब्रूनो गोलियां चलाते जा रहे हैं, थायसन ने मिनट में इशू ने एचयू थायसन ने एनडब्ल्यूजे के वो वहां पे एलिमिनेट कर दिया है। जी हाँ, वो एक रिवाइव से एक रिवाइव और एलिमिनेशन के बीच में एक सेकंड का गैप था और वहां मिनट हो गए। बात करेंगे इसी साइड, तो यहाँ पे क्रोनिक शील्ड लगा जाएगा, डाउन किया जाएगा SNG की यहाँ पे टॉडी की तरफ से। एंड बात करें तो यहाँ पे रॉ की तरफ से डाउन किया जाएगा एक प्लेयर को, एंड कहीं ना कहीं उनका खेल निकाला जाएगा। एंड बात करेंगे दूसरे प्लेयर, ओह माई गॉड, बहुत जल्दी वाइप आउट किया जा रहा है। बात करेंगे कैरमल आ जाएंगे दूरी से एंड रो के ऊपर गोली चलाएंगे, रो को यहाँ पर डाउन भी कर देंगे। तो लेट्स आगे क्या होने वाला है, ट्रिपल ए की जो एक प्लेयर तो ओपनली डॉट है तो उनको यहाँ पर डाउन किया जाएगा। अब ट्रिपल ए के साथ एक ही प्लेयर बचा हुआ है जो कि ऊपर कैरमल होने वाले हैं। कैरमल दूरी पर आएंगे एंड पीछे हटेंगे सर्वाइवल की तरफ, क्योंकि उनको पता है उनके टीम मेट्स को बचाना अब ना होगा। नेट थ्रो करेंगे एंड थोड़ा पीछे और धकेलेंगे टीम्स को, एंड इस रिज का पूरा फायदा उठाने वाले हैं। नेट और थ्रो करे जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि FR की कहीं ना कहीं पिटाई हो सकती है बहुत बुरी। जी FR की कहीं ना कहीं पिटाई जरूर हो सकती है क्योंकि यहाँ पे फाइट तो चल रही है एंड VX उनको नहीं छोड़ने वाला है, बिकॉज जिस तरीके से FR ने पुश किया है यहाँ पे, VX ऑलरेडी हैड द कंट्रोल ऑफ दिस एरिया, उनको पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। बट द क्वेश्चन इज क्या VX इस चीज को होल्ड कर पाएंगे, इज इट गोइंग टू बी FR कमिंग आउट ऑन टॉप, बिकॉज फिलहाल तो लग रहा है कि FR जितना डैमेज दे रही है उतना VX वापस नहीं कर पा रही। ये बात हो रही है कि सेकंडों के अंदर ही पूरी पोजीशन ही चेंज होगी, मतलब जहां पे अभी VX स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी वहीं पे VR नजर आ रही, मतलब तो हमारी जो FR है वो नजर स्ट्रॉन्ग नजर आने लगी। बट अगर हम लोग बात करेंगे तो यार मुझे जहां तक लगता है कि ये जो इतना ज्यादा ओवर एक्सटेंड किया जा रहा है कहीं ना कहीं टीम्स को कहीं ना कहीं फेवर नहीं होने वाला, खासतौर पर VX के लिए, क्योंकि यार इस मैच के अंदर आप इतना ज्यादा भी मतलब ओवर एक्सटेंड मत करो कि यार देखो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो जाए। और देखिए ये चीज नजर आ रही है, यहाँ पे एक प्लेयर को डाउन कर जाएगा बट उसी के ट्रेंड में दूसरे प्लेयर को वहां पर दूसरे प्लेयर डाउन कर देगा, यहाँ पे एक प्लेयर को रिवाइव कर देगा। ये बहुत ज्यादा क्लोजली फाइट चल रही है, FR के प्लेयर यहाँ पे डाउन पड़े हुए हैं। बात करेंगे तो दूसरी साइड में उनको रिवाइव करके ट्राई करा जा रहा है, यही बात कर डार्क कॉल आ चुके हैं यार। ये मैच HQ वहां पे एक रिज है, एंड देखिए इसी रिज की मैं बात करता, ये जो रिज है इसका फायदा बस पे लॉन्चर का यूज कर जा रहा है। ओ माय गॉड, नियोनाओ ने यहाँ पे एक डाउन निकाल दिया, कहीं ना कहीं अंदर और नेट फेंकेंगे, ये नेट कहीं ना कहीं लॉन्चर का वर्क कर सकता है, एक और किल उनको मिल सकता है। और बात करेंगे दूसरी साइड जाएंगे, एक और प्लेयर डाउन कर चुका, ओ माय गॉड, डबल वेक्टर का यूज निकाला जा रहा है। एंड बात करें DA, बात करते करते यहाँ पे DA को यहाँ पे फिनिश करते हुए चले गए। जॉर्डी की बात करते वो यहाँ पे स्नाइपर चला रहे हैं, थोड़ा और आगे जाएंगे, बहुत ज्यादा प्रिसाइसली स्नाइपर चला रहे हैं। बात करेंगे तो ग्लू वॉल पर ग्लू वॉल लगाई जा रही है, नेट को बहुत अच्छे से डॉज किया, M79 को बहुत अच्छे डॉज किया उन्होंने, बट पीछे हटेंगे, उनको पता है उनका बचना नामुमकिन है, लॉन्चर आएगा नियोनाओ का एंड उनको खत्म कर दिया जाएगा। और मामा जी जिसके बारे में बात करता है रिच के बारे में, जिसका पूरा फायदा उठा सकता है उसका पूरा फायदा उठा, पर देखते देखते FR आ चुके हैं एंड FR ने आके हमला कर दिया, बट FR जैसी आई उनको भी यहाँ पे ढप्पा कर दिया गया। एंड बात करेंगे डाउन कॉल के बारे में, तो उनको भी यहाँ पे डाउन करा जाएगा, कहीं इनको बचाया जाएगा। इसी साइड अगर हम लोग बात करेंगे तो यार जो टीम होने वाली हमारी दूसरी यहाँ पे HQ, वो अभी राइट नाउ पीछे हट चुकी है, उनको पता है थोड़ा सा डिस्टेंस से बैटल करनी है। एंड यार नियोनाओ तुम्हारे पास कितनी गोलियां है लॉन्चर की, इतनी गोलियां चला रहे भाई, इतना शानदार प्ले, मजा आ गया। जी हाँ बिल्कुल सही कहा कि मजा आ गया। डार्क होल की अगर हम बात करें तो आर्टेमिस को उन्होंने नॉक कर दिया है, एलिमिनेट भी करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जोकर को देखिए वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं वहां पे सर्वाइव करने के लिए। एंड एच क्यू दो याद की लीडर्स दे हैव लॉस्ट आउट ऑन ऑलमोस्ट टू प्लेयर्स, एंड यहां पे छोड़ के भाग बात कर दो, वो अभी राइट नाउ न्यू के लीडर बन चुके हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे होने वाले हैं। बात करेंगे तो जोन किस तरीके से बनने वाला है, ओ माय गॉड, वो नेड वर्क करेगा। एंड बात करेंगे अपार जोकर के बारे में, तो वो यहां पे SNG के ऊपर यहां पे किल निकालेंगे, एंड सिंगलर मतलब अगर बात करें सिंगलैरिटी के ऊपर के निकालेंगे, एंड गॉड बैठे हुए अभी भी। बात करेंगे तो दूसरी साइड लाउड आराम से अपने ड्रोन के ऊपर से खेल निकाले, हर एक टीम के ऊपर फायर कर रहे हैं, बट आपको पता है कि लाउड जितना ज्यादा वहां से फायर कर रहा है उतना ही वो सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बनने वाले, क्योंकि जो भी टीम अभी बाहर निकलेगी जोन के अंदर पहुंचेगी उसका मेन टारगेट होगा लाउड को बाहर रोकना। एंड लाउड को भी पता है ये चीज की भैया अभी राइट नाउ प्रेशर क्रिएट करूँ जोन के अंदर पहुंचो।
जी अभी क्या, अभी मैं प्रेशर क्रिएट करूंगा जोन के अंदर पहुंचना, बिल्कुल सही कहा, लेकिन विल को देगी, वो पूछना चाहते लेकिन ग्लूअल लगा देगी एंड यहाँ पे शील्ड भी खोल दिए, मेकिंग श्योर 360 डिग्री प्रोटेक्शन मिले उनको, लेकिन विल ने डबल वेक्टर्स का इस्तेमाल करके सामने वाले प्लेयर को नॉक कर दिया, एलिमिनेट भी कर देंगे एंड लाउड इज लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे। क्या सेकंड बुआ निकाल पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल होने वाला द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, बट यहाँ पे लाउड के सामने FRNP के सारे GDP के प्लेयर, GDP को भी एलिमिनेट कर दिया जाएंगे, लाउड के सारे प्लेयर सर्वाइव करें, FR को थोड़ा सेफ खेलना पड़ेगा, कावान के ऊपर गोलियां चल रही हैं, FR के प्लेयर्स गोलियां चलाते जा रहे हैं अपनी शील्ड के अंदर, गोलियां चलानी चाहिए थी, साथ में मिलकर सारी की सारी शील्ड को तोड़ सकते थे, लेकिन वॉर एन आउट प्ले, वॉट एन इनक्रेडिबल आउट प्ले, मजा आ गया, मतलब सच में यार ये जो नेड वर्क किया ना लास्ट में, लाउड के पास ना ग्लूअल्स यूज नहीं करी, मतलब कुछ नहीं कर पाए लाउड लास्ट तक, बात करेंगे तो सेलिब्रेशन देखिए इनके चेहरे पे, एक्साइटेड है, हैप्पी है कि यार बुरा निकला है फाइनली, एंड बात करेंगे तो यार एफ आर राइट नाउ फर्स्ट राइडर्स।